हेलो फ्रेंड्स, मैरा राइडर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो फ्रंट ब्रेक है, जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है, उसकी जो फ्रंट ब्रेक होती है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए वीडियो। मॉडल है या फिर हमारे जो BS4 मॉडल तक यही ब्रेक आई है, ड्रम ब्रेक, तो इस ब्रेक में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो ये ऊपर ही रुक जाता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ करके कि किस तरह से ये रुक जाता है और ये काम नहीं करता है और इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही हम इसको घुमाएंगे, ये हमने घुमाया और जैसे ही ब्रेक लगाई, तो जैसे ब्रेक छोड़ेंगे तो ये टायर फिर से जाम हो जाता है और फिर हमें वही यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ता है, यहाँ से उठाना पड़ता है ऊपर, और थोड़ा सा उठाते ही ये हमारा फ्री हो जाता है। ये देखिए, मैं फिर दिखाता हूँ। ये जैसे ही हमने ब्रेक लगाई, ये जाम हो गया। यहाँ से फिर हमें इसको, ये देखो, थोड़ा सा टक की आवाज़ आई, खुल गया और ये ठीक हो गया। तो हम इसे, ये हमें ये खोलना पड़ेगा और खोलने के लिए हमें ये दो नट खोलने हैं और दूसरी साइड से भी सेम हमें ये नट खोलने हैं। और ये नट मैं जल्दी से खोल देता हूँ, कैसे फिट करना है वो मैं सब बता दूंगा आपको। और उसके बाद ये अंदर नट है यहाँ, ये भी खोलना है, वो भी मैं सब बताऊंगा आपको। तो मैं इनको खोल लेता हूँ और आपको प्रॉपर बता देता हूँ। और स्पीडोमीटर की वायर है जो मैं पहले ही खोल चुका हूँ, ये भी खोलनी है आपने। तो फ्रेंड्स, ये वाले नट हैं जो ये 13 नंबर की चाबी से खुलेंगे। यहाँ, और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अकेले हो और अकेले इसको खोल रहे हो, तो सबसे पहले आपने, मैं दिखाता हूँ आपको, टायरों के नीचे जो हमारा स्टैंड है, स्टैंड के नीचे ईंटें लगा देनी है। ऐसे अगर ईंट लगाओगे तो हमारा मोटरसाइकिल जो है वो पीछे से दबाने पे उठ जाएगा और टायर हमारा ये उठ जाएगा और हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं टायर। नहीं तो हमें पीछे किसी को दबाने के लिए बोलना पड़ेगा कि दबाओ, और अचानक अगर वो उठ जाए या फिर मोटरसाइकिल गिर सकता है। तो ये सबसे ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। और मैं जल्दी से इसको भी खोल देता हूँ दोनों को। और फ्रेंड्स, मैंने इसको निकाल दिया है, तो आप जब इसको दोनों साइड से खोल लोगे, ये देखिए, और टायर को बाहर को खींचोगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ देखिए जो अंदर है उसमें एक खांचा बना हुआ है, वो वहीं से खींच के निकलेगा ये नीचे को, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। और वैसे ही ये लगेगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा बस। तो आपने फ्रेंड्स इसको इस तरह से खींचना है और ये इजीली निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला नट है, हमने ये, मेरा खुल नहीं रहा था, मेरे को चाबी नहीं, मेरे पास थी नहीं। और जो हमारे पास रॉयल एनफील्ड के जो टूल हैं, जो मैंने ये आपको ये बताया था, मैं ये भी टूल, तो ये इस साइड नहीं लग रहा है लेकिन दूसरी साइड जो है वो लग जाता है ये। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जुगाड़ है थोड़ा सा, ये जुगाड़ रिस्की सा है, हमारा नट ये ख़राब हो जाता है, वो मैं ट्राई कर चुका हूँ अभी। तो ये देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने ये छेनी से, यहाँ पे छेनी से रख के इसको जब ज़ोर से ऐसे 2-3 बार किया तो ये नट खुल गया। तो ये खुल गया, इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए, ये नट खुल गया। एमरजेंसी के लिए ये है, अगर आपके पास प्रॉपर टूल है तो आपको ये ज़रूरत नहीं है करने की। मेरे पास ये वाला टूल नहीं था और मैं कहीं बाहर हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास टूल नहीं था। अचानक मेरे जो रिलेटिव हैं उनका ये मोटरसाइकिल ऐसे ख़राब हो गया था, तब मैंने ये टेक्निक अपनाने की सोची है। तो आप प्रॉपर टूल यूज़ कीजिए। तो ये खुल चुका है, तो जल्दी से मैं इसको खोल के मैं ये निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, ये खुल गया। उसके बाद ये हम इस तरह से निकाल लेंगे और हमारे इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि या तो ये स्प्रिंग टूटा होता है या हमारी जो ये कैम है, ये देखिए अभी भी जाम है, ये खुला हुआ है, ये ब्रेक लगी हुई है। और जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए अभी जाम हो रखी है पूरी, तो ये अभी नहीं हो रही है। तो हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के लिए सिंपल, इसको यहाँ से आपने इस तरह से इसको उठाना है, ये ऐसे खुल जाएगा। हम इसको अच्छे से साफ़ करके और फिर इसमें लगाएंगे। और ये जो केम है इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे, ये जो है हमारी, ये देखिए यहाँ पे बुरी तरह कार्बन आ जाता है। ये देखिए कार्बन आ गया है, जिसकी वजह से ये अटक जाता है। ये देखिए यहाँ पे कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से अटक जाता है। हम दोनों केम्स की ये निकाल लेंगे। ये देखिए,
यहाँ भी मैंने WD-40 यूज़ किया था लेकिन उसने पूरा असर दिखाया नहीं है, तो हम इसे साफ़ कर लेंगे। मैं जल्दी से साफ़ करके इसको दोबारा लगा के आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, इसमें कोई भी इंजन ऑयल ले सकते हो। मैं ये मेरे पास थोड़ा सा रखा था, यहाँ पे मुझे मिल गया था, तो हमने इस पर थोड़ा सा यहाँ ऑयल लगाना है। ये देखिए इस तरह से इस पर ऑयल लगा देना है। ताकि ये दोबारा हमें प्रॉब्लम ना दे और इस पर कार्बन ना जमे, बस इस तरह से आपने लगा देना है। और फ्रेंड्स हमने इस पे ऑयल वगैरह लगा दिया है और हमें इसको किसी भी तरह लगा सकते हैं हम, ये दोनों तरफ से बराबर होते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। और ब्रेक जो है मैं अब आपको ब्रेक लगा के दिखाता हूँ कि जो इसके पैड है ब्रेक के वो किस तरह से लगाने हैं। वो भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है लगाना, उसको भी सिंपल है। मैं जल्दी से वो लगा के दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स हमने इस पे ऑयल लगा दिया है और इसके केम है जो इन पे ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद हमने इनको अपनी जगह पे फिट कर दिया है। आप इसको किसी भी तरह फिट कर सकते हो। उसके बाद आपने सिंपल इसका जो जगह है यहाँ पे उल्टा करके इसको रख देना है, ताकि हम यहाँ पे इजीली इसके जो पैड हैं ब्रेक पैड हैं ब्रेक शू वो लगा सकें। और इसमें स्प्रिंग लगाने के लिए सिंपल है, इसमें जो स्प्रिंग है वो इसी तरह ईजिली लग जाएंगे, ये देखिए। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, एक जो है जो हमारी स्क्वेयर है जगह, ये आपने इस साइड रहने देनी है और दूसरी राउंड वाली दूसरी साइड, और दूसरा भी उसके ओपोजिट लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये इसके ओपोजिट लगाना है, एक और दूसरा दूसरी साइड। ये राउंड साइड इस साइड आएगा और ये फ्लैट इस साइड आएगा, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए दूसरे में। फिर उसी तरह आपने ये ऐसे कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ से ऐसे टेढ़ा करने के बाद ऐसे चारों में लगाना है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से दबा देना है। ये देखिए ये इस तरह से लग जाएगा। ये ऐसे ये लग जाएगा। तो इसको हम जल्दी से अब फिट कर देते हैं, और फिट जैसे वैसे ही करना है हमने जैसे इसको खोला था। मैं ये सब साफ़ कर चुका हूँ, ये देखिए ये उल्टा लगाया था मैंने, ये भी साफ़ कर दिया था। इसको वैसे ही जैसे हमने निकाला था उसी तरह हमने इसको फिट कर देना है इसमें। ये देखिए इस तरह से इसको लगाना है, और इसके ऊपर जो इसका हमने नट खोला था सेम वो लगा देना है। तो फ्रेंड्स हमारे ये नट बोल्ट ये बोल्ट है, ये देखिए एक साइड से इसमें वार्सल टाइप में थोड़ा सा उभरा हुआ है और दूसरी साइड फ्लैट है। तो हमने जो उभरा हुआ है ये अंदर को रखना है, तब इसमें अच्छे से इसमें फिट हो जाएगा। ये यहाँ से ये देखिए इसको पहले हाथ से ही आप टाइट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये वाला दूसरी साइड का है, हमने जो टूल है हमारा रॉयल एनफील्ड का, हमने यहाँ से लगाना है इसको। और दूसरी साइड से वही बात है जैसे मैं बता रहा था आपको, प्लास से आप उसको पकड़ सकते हो और यहाँ से आप टाइट करोगे तो दूसरी साइड टाइट हो जाएगा। इस तरह से आप इस साइड से टाइट कीजिए और दूसरी साइड जो है आप प्लास से यहाँ से पकड़ के इसको टाइट कर सकते हैं। ये टाइट हो चुका है, अब हम इसको फटाफट जल्दी से फिट कर देते हैं। आपने ये जो खांचा है इसका यहाँ ध्यान रखना है, इसका ये प्रॉपर फिट होना चाहिए हमारे इसमें, यहाँ जो ये जगह बनी हुई है। ये देखिए इस तरह से ये फिट हो जाएगी, ये यहाँ पे लग चुका है। और आपने जब इसके ये बंद करोगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देख पाओगे एक इसमें उभरी हुई जगह है, यहाँ पे एक रिंग टाइप में एक्स्ट्रा बना हुआ है, ये आपने बाहरली साइड रखना है। क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको उसमें दूसरी साइड भी बना हुआ है यही, तो ये देखिए
इसमें ये बाहर भी बना हुआ है सेम जैसा ये उभरा हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसमें भी बनाया और दूसरी साइड हमारा यहाँ देखिए ये सेम इसमें भी बना है। ये देखिए अगर हम इस तरह से लगाएंगे फ्लैट जो है ये अंदरली साइड रहेगा तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी लगाने में, तो हमने इस साइड से लगाना है। ये देखिए ये बाहर जो उभरी हुई जगह है यहाँ इसको इस तरह से लगा देना है, और इसकी जो वार्सल है वो भी साथ में लगा देनी है ये वाली। ब्रेक लीवर है ये लगा देना है सेम इसके आगे, पहले ये वार्सल लगेगी दोनों साइड और उसके बाद आप ये लगा दीजिए। इसके बाद एक छोटी वार्सल लगेगी और फिर ये नट लगेगा। सत्रह नंबर की चाबी इसमें लगेगी और उससे हमने इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ से लीवर को ऐसे खींच के हमने ये इसकी ब्रेक है जो उसको प्रॉपर लगा देना है। ये देखिए और यहाँ से जो एडजस्टर मैं आपको दिखा रहा था ऊपर, यहाँ से हमने इसको थोड़ा टाइट कर देना है ताकि ये अपनी जगह सेट बैठ जाए। 10 नंबर चाबी से भी हम इसको टाइट कर सकते हैं इस तरह से, और जितना ब्रेक आपको टाइट चाहिए उतना इसको आप टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसका टायर आपको घुमा के दिखाता हूँ और ब्रेक मारेंगे। ये देखिए ये जब जैसे ही छोड़ा हमने, ये देखिए इनकी मूवमेंट जो है बिल्कुल ठीक हुई है। अब फिर से ये देखिए टायर घुमाया, ब्रेक लगी और छोड़ते ही बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आप यही टेक्निक यूज़ करके अपने मोटरसाइकिल को जो है ठीक कर सकते हो, छोटे छोटे काम जो है वो घर में कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।